आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वावधान में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी राज्यों में सभी शहीद परिवारों के यहां से मिट्टी इकट्ठी की गई, जिसका सीधा मकसद है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और अपने परिवारों को याद करें, क्योंकि आजादी के महोत्सव अभियान भी जोरों पर किया गया था, जिससे पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की गई। उसी तर्ज पर अब मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पूरे देश से मिट्टी कलश में एकत्रित कर दिल्ली भेजी जाएगी। वहीं आज राजधानी देहरादून में भी नगर निगम के माध्यम से सभी वार्डों में एक कार्यक्रम चलाया गया। उसका समापन आज नगर निगम परिसर में अमृत महोत्सव के रूप में किया गया। आज सभी वार्ड से मिट्टी को एकत्रित कर एक कलश में रखा गया और इसको दिल्ली भेजा गया। शुभकामना देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम की जो भव्यता और दिव्यता इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई है, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था वो यहाँ पर एक छोटी सी झांकी के माध्यम से आपने दिखाया है। इसके लिए मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर आप सब एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कार्यक्रम में आकर गरिमा बढ़ाई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। कि आज पूरे देहरादून जिले से जो अमृत कलश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में जो है बड़े जोश और उत्साह के साथ और अपने वतन के प्रति जो प्रेम और स्नेह दिखाने का मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। सबको अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए और मिट्टी के साथ साथ जो आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे शहीदों के परिवार आए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार आए हैं, हमारे सैनिकों के परिवार आए हैं, हमारे पार्षद लोग हैं, सभी देहरादून से जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज ये मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन कार्यक्रम में आकर मिट्टी को कलश में यहाँ समर्पित करके इस कार्यक्रम की जो गरिमा भी बढ़ाई है। मैं सभी अपने देहरादून वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।